अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आया है कि रुपए ऑल टाइम लो, फिर हम पहुंच गए रुपए ऑल टाइम लो में। तो जब रुपए ऑल टाइम लो चलता है तो हम बीपीसीएल को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। बीपीसीएल देखिए गिर रहा है, और आईटी सेक्टर जो इंफोसिस टीसीएस जैसी कंपनी है, बताइए उसको क्या करते हैं, बाई या सेल, बाई करते हैं। देखिए इंफोसिस जैसी कंपनी डेफिनेटली बढ़ रही है, बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे डॉलर मिलता है तो डॉलर बढ़ने से मुझे फायदा है, और अगर मुझे डॉलर देना है तो डॉलर बढ़ने से मुझे नुकसान है। बीपीसीएल को डॉलर देना होता है और इंफोसिस को डॉलर मिलता है, इज दैट ओके? तो अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पे बैन लगा देना चाहिए। गवर्नमेंट पेट्रोल पे तो बैन लगा नहीं सकता, डीजल में तो बैन लगा नहीं सकता, गवर्नमेंट को उन सब चीजों में बैन लगा देना चाहिए जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में अगर इंपोर्ट होती है तो हमारे कंट्री से डॉलर जा रही है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। और यस और नो, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट किसी कंट्री में? लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चलो तेल और डीजल तो अलग बात है, हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। गोल्ड एसेंशियल इंपोर्ट है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है। तो कल ही एक ब्रेकिंग न्यूज आया कि हम लोग को नॉन एसेंशियल इंपोर्ट में कर्व लगा देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट को खराब कर रही है, ये हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमिक्स को खराब कर रही है। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां से कंट्री से डॉलर जाता है और इंपोर्ट का भार हमारी कंट्री को झेलना पड़ता है। तो बताइए गोल्ड रिलेटेड कंपनीज जो गोल्ड के काम करती है, जैसे टाइटन, तनिष्क ब्रांड किसका है, टाइटन का है, बताइए टाइटन इस तरह के न्यूज से गिरेगा या बढ़ेगा? गिरेगा। और उसको भी गोल्ड महंगा पड़ रहा है, वो भी गोल्ड महंगा ले रहा है वहां से। अगर किसी सामने से वो गोल्ड खरीदेगा तो डॉलर देगा, जो भी फॉरेन इंपोर्टर होता है उसे डॉलर के बढ़ने से नुकसान होता है, यस और नो? तो बताइए टाइटन आज गिर रहा है कि बढ़ रहा है? देखिए टाइटन गिर रहा है, एक तो डॉलर बढ़ रहा है एक तो रीजन, और एक गवर्नमेंट इन सब चीजों में रोक लगाना चाहती है, तो किसका मतलब गवर्नमेंट ड्यूटीज बढ़ा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, यस और नो? तो अपने आप इतना महंगा कर दिया जाएगा गोल्ड, इतना गोल्ड महंगा कर दिया जाएगा कि इसका जो इंपोर्ट है वो कब कर सके उसे रोक दिया जाए। तो टाइटन को हमें बाई करना चाहिए या सेल? हमें सेल करना चाहिए। तो ब्रेक के वक्त हमने टाइटन को सेल किया था, आप देख सकते हैं टाइटन हमने ब्रेक के वक्त सेल किया, कि टाइटन को हम सेल इस न्यूज के कारण कर रहे हैं। और आपने ब्रेक में ये न्यूज सुना भी था, टाइटन का सुना होगा ब्रेक में अपने न्यूज, टाइटन गिर रहा है, टाइटन को सेल करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि गवर्नमेंट नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पे कब लगाना चाहती है। और सबसे पहला नाम आता है गोल्ड इंपोर्ट का, क्योंकि गोल्ड एक नॉन एसेंशियल आइटम है, तो टाइटन को हमें सेल करना चाहिए। देखिए अभी हमारे बाई में कुछ नहीं लिखा हुआ, बाई में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने सेल किया है, कितने क्वांटिटी हमने सेल किए हैं, 1000 क्वांटिटी हमने टाइटन का सेल किया है, 800000 रुपए के करीबन मैंने टाइटन सेल कर दिया है, यस और नो? सेल को किससे काटोगे, बाई से काटेंगे। अब हम भगवान से क्या प्रे करेंगे, हे भगवान टाइटन में कीड़े पड़े, क्या पड़े, कीड़े पड़े, टाइटन जितना गिरेगा, जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, तो इसकी गिरावट से मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैंने सेल ऑलरेडी कर दिया है और बाइंग प्राइस मुझे कम चाहिए, अब तो बाइंग प्राइस कम होगा तभी मुझे फायदा होगा। तो टाइटन का देख सकते हैं मैंने 824 में सेल किया है, मैंने कितने में सेल किया है, 824 में मैंने सेल किया है। अब अभी देखते हैं करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 819, तो इसका मतलब मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं, बोलिए इसका मतलब मुझे फायदा हो रहा है, बोलिए यस। मैंने सेल किया है 824 पे और अभी कितना चल रहा है, 817, तो मुझे फायदा हो रहा है, देखते हैं मुझे कितने का फायदा है, मुझे 5000 रुपए का फायदा है, मुझे 5000। अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक ब्रेक की कीमत आप क्या जानो, ये ब्रेक की कीमत है,
आप समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से खेलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, पोजीशन रिफ्रेश, 6000 का फायदा, बुक कर ले, बोलो यस यस। इसे कहते हैं लालच, लालच बुरी बड़ा है, इसे लालच कहते हैं। 6800 का भी फायदा हो रहा है, 300 रुपए कम हो गया, 6500 हो गया, बुक कर ले, बहुत है। आज चाय पानी का व्यवस्था, साथ साथ हम लोग लंच और डिनर भी कर सकते हैं, साथ में हम लोग लंच और डिनर भी कर सकते हैं, खूब जमेगा रन। जब आपको ये एहसास होगा ये प्रॉफिट आपका है, ये प्रॉफिट किसी और का नहीं है, ये प्रॉफिट सबका है, अनरियलाइज्ड, अभी रियलाइज कर रहे हैं इसको, ये बढ़ता रहेगा गिरता रहेगा, आपको ये देखना है कि आपको कहां काटना है, ठीक है। ये जितना गिरेगा, ध्यान रखना, ये जितना गिरेगा, देखो अभी ये इतना है, अब देखो अभी आपको कैसे अंदाजा लगाते हैं हम लोग इस बात पे, अब देखना, अभी 817.95 रुपए हो गया, मतलब बढ़ गया, तो वहां मुझे हल्का सा नुकसान हुआ है, आप समझ रहे मेरी बात। ये जो भी होगा, तो ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, देखिए बढ़ रहा है, काटो, देखिए ना बढ़ रहा है, हम काट के निकलते हैं, ठीक है। देखिए आराम से इसको काटते हैं आपके सामने, और एग्जिट कर दिया, अभी अनरियलाइज्ड था, अब ये देखिए रियलाइज हो गया, बधाई हो, आपने 6000 रुपए रियलाइज कर लिया, रियलाइज हो गया अब हमारा, ये वी हैव रियलाइज दिस प्रॉफिट इन टाइटन। अब देखिए पूरा फील हो गया, कॉलम पूरा फील हो गया, आपका बाई का भी पूरा कॉलम फील हो गया, और सेल का भी पूरा कॉलम फील हो गया, और आपने 6000 रुपए रियलाइज कर लिया। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, आपके सामने है सब कुछ, ओनली लाइव मार्केट आपके सामने मैंने ये सब करके दिखाया, ठीक है। तो ये सब न्यूज, ये नॉन एसेंशियल क्या होता है, ये किस तरह से इंपैक्ट करता है, ये क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका न्यूज का क्या इंपैक्ट है, ये गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ, गैप डाउन स्टार्ट, गैप डाउन गैप अप भी मैंने आपको पढ़ाया था, गैप डाउन स्टार्ट हुआ, डी स्ट्रीट मतलब दलाल स्ट्रीट, सेंसेक्स निफ्टी मैंने आपको पढ़ा दिया, रूपी गिर रहा है, इन सब का इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, ये सब हमारी पढ़ाई का कहीं ना कहीं पार्ट है। और आजकल जो क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके नहीं जा सकते, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, फाइनल लेवल पर आप आ गए हो। और जितने भी ये सब लोग हैं, राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, अनिल सिंघवी जी, ये जितने भी लोग हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सब यही कहीं से शुरुआत की थी, तो आपको भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आपको अपना पैसा नहीं लगाना है आपको, लेकिन रिसर्च करना है, दिन के 10 मिनट आपको लगाना है, और दिन के 10 मिनट आपको ये सारी चीजें देखनी है। इज दैट ओके? बोलो प्रॉमिस करो देखोगे, प्रॉमिस करो मेरे को, अभी प्रॉमिस करो, निकालो हाथ, निकालो अपना प्रॉमिस, डेली 10 मिनट आपको ये देखना है, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस, बस आप देखना बहुत अच्छा हो जाएगा आपका लाइफ में, आप देखना बहुत ज्यादा रिसर्च कर लोगे, क्योंकि ये सब एक दिन में नहीं हुआ है रिसर्च, रो वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि एक दिन में मैं आया और रिसर्च करके बैठ गया, ये इतने सालों की मेहनत है। तो आपको भी टाइम लगेगा अभी, लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि मैं चलो पैसा नहीं लगाऊंगा तो क्या हुआ, मैं जरूर रिसर्च करूंगा, ये क्यों गिरा, ये क्यों बढ़ा, आज मार्केट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और एक्चुअल में क्या होता है, हम इसलिए बोलते हैं कि चलो 500 रुपए तो लगाओ, क्योंकि जब 500 रुपए आप लगाते तो भावना आ जाती है, फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ोगे, आप देखोगे ही देखोगे, फिर आप बिना देखे सोओगे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं एटलीस्ट 500 रुपए तो आप लगाने के काबिल बनो, उतना आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिर्फ महीने का 500 रुपए लगाओ, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करो, वोटिंग पावर आपको मिलेगा, आपको ऑनरशिप मिलेगा, बहुत ही अलग तरह की आपको एक फीलिंग आएगी। तो ये आपने मेरे को प्रॉमिस किया है कि सभी जितना जल्दी हो सके इसे करें। आप समझ लीजिए कि आप कमाई डिपेंड कर रहा है आपका इन सब चीजों पे, पास तो हो ही जाएंगे, मुझे नहीं लगता एसएफए में अभी तक कोई भी दिक्कत आ रही है, आराम से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, आराम से क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम अब यहां आएगा कि आप कितना रिसर्च कर पाएंगे इस सब चीजों को, तो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।